بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین الكرام أحكام الدين کا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کی سوالوں کی جواب هم كتاب الله قرآن مجید اور سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث شریف سے دیں گے بعض اوقات میں هم साहब कराम के आसार और ताबीन के अकवाल से भी इस्तेलाल करते हैं और करेंगे तो आइए हम पहले सवाल की तरफ आते हैं आज का पहला सवाल है जिसमें इन्होंने अपने घर के एक उमर दराज़ इंसान की कैफियत बयान की है वो दादा हैं और बताया है कि उनके साथ हमें तामुल करने में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं उनके पीछे हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं तो आइए उनकी तफस मुख्तर सी कर ही दे जैसा उनके सवाल में है उनके सवाल में यह है कि मेरे वाल साहब की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ तक कि वो इंतहाई बुज़ुर्गी तक पहुँच चुके हैं और बीमार भी हैं साथ में कहते हैं कि इनके साथ कुछ बात किस्म के ऑपरेशन भी हुए हैं जिसकी बुनियाद पर वो ज़्यादा हरकत वस तो में नहीं रहते हैं और इसके अलावा जो मज़ीद जो उनकी जो जिसकी वजह से हम जवाब देंगे वो कह रहे हैं कि इन्हें रातों दिन का पता भी नहीं चलता चल पाता है और इससे भी ज़्यादा बुरी हाल बुरी हालत है कि कभी कभी पे बिस्तर पे लेटे लेटे ही उनका बरो बुराज हो जाता है तो उनका सवाल आगे ये है कैफियत बयान करने के बाद उनके बारे में कि क्या उनके ऊपर नमाज पढ़ना ज़रूरी है जबकि वो जब से बीमार हुए हैं ना हरकत कर पाते हैं और ना ही आसपास में रहने वालों वालों को समझते ही हैं कभी कभी उनके ये होता है कि कुछ चीज़ों का तस्करा कर देते हैं और कभी कहते हैं नमाज का वक्त हो गया और कभी कहते हैं लाओ मैं वज़ू कर लूँ लेकिन बसा अवकात इससे गाफिल रहते हैं एक पोजीशन तो उनकी है तो क्या उन पर नमाज वाजिब है कि नहीं एक सवाल है दूसरा सवाल ये है कि उनकी ख़िदमत करने के अंदर भी हमें जो मशक्क़्क़्क़्क़तें पेश आती हैं उनमें से करें कि वो कभी कभी कुछ नहीं कर पाए तो हमें पाखाना पेशाब कराना कर पड़ता है सफाई करनी पड़ती है लेकिन इसमें कभी कुछ तख़िर हो जाए या हमारी तरफ़ से कोई कोताही हो जाए तो गालियां देते हैं और बद्दुआएं करने लगते हैं हमारे लिए सवाल उनका यह है कि क्या उनकी जबकि हमारे वालद उनकी बदवा हमारे बारे में कबूल होगी कि नहीं कबूल होगी जबकि मैं को अपने हिसाब से कोताही नहीं करना चाहता हूँ उनके और भी बेटे हैं लेकिन चूँकि मेरे पास रहते हैं इसलिए हमें सभी कुछ करना पड़ता है एक और सवाल उनका यह है कि मेरे कभी कभी उनके ज़ुबानी से या बदवा देने पर या ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाने से मुझे भी गु़स्सा आ जाता है तो मैं कुछ बुलंद आवाज़ से उनको जवाब दे देता हूँ यहाँ एक सवाल इनका भी एक जवाब देता हूँ और जैसे कि बाप का जो हक है उस हिसाब से मैं वहाँ पूरा नहीं कर पाता मैं आगे बताऊँगा बाप का जो हक है जिसमें नाकामी इसमें हो रही है और जबकि मुझे पता है कि ये मेरे पर शैतान का गालिब हो गया और मैंने उनको कुछ झिड़क दिया थोड़ा सा और ये कभी जैसे उनके गुस्सा तो कभी कभार मुझसे ग़लती हो जाती है तो क्या मेरे ऊपर इसमें गुनाह है हकीकत यह कि हमारे भाई का ये सवाल जो है ये बहुत से लोगों पर फिट आता है जिनके घर में भी वालदे बुज़ुर्ग हो जाते हैं या दादा रहते हैं और उनमें से बेटे को या बेटे के बेटे को ख़िदमत करनी पड़ती है चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो या पोता हो या पोती हो कोई भी हो उसमें खिदमत गार हो तो उनके लिए मुश्किल आती हैं सफाई सुथराई करने में भी और इसी तरह से उनके गैर वदब को बर्दाश्त करने के लिए भी इनके सवाल तो आपने सुने ही मैं जवाब में कह पहले तो इनके बारे में बता दूं कि इनके ऊपर क्या नमाज वाजिब है कि नहीं है आपने लिखा है कि वो रात और दिन की तमीज़ भी नहीं कर पाते और इसी तरह से कभी कभी वो कहते हैं मैं वजू करना चाहता हूँ तो हकीकत यह है कि जो आदमी इंतहाई बुज़ुर्गी को बड़ी उम्र को पहुँच जाता है और जैसे कुरान मजीद बयान है लकैला याबाद शे कि कभी कभी अपने उम्र के इस दप, इस मरहल को पहुंच जाता है कि जबकि वो पहले जानकार था सब चीज़ों का लेकिन अब कुछ नहीं जान पाता है और हमने ऐसे बुज़ुर्गों को देखा है दादा को भी देखा दादियों को भी देखा दूसरों के यहाँ कि वो हो कुछ नहीं समझ पाते हैं सिर्फ़ उनके ज़हन में बचपन की कुछ यादें रह जाती हैं जिनको वो उसी जुबान में जिसमें उस बचपन में पले थे या जिन चीज़ों के साथ उनका तामुल था जिनको साथ जिनके साथ रहते थे जैसे बैल बकरी हों या नौकर हों या कि घर हो पुराना घर हो नया घर हो वो वही उनके जहन में जो रह, पुराना रहता है पुरानी याद रहती है उसी हिसाब से उनकी बात भी निकलती रहती है तो वो अक्ल तकरीबन खो चुके होते हैं हाफजा ख़त्म हो चुका होता है कोई चीज़ याद नहीं और रहती भी है तो बचपने की याद वही कुछ रह जाती है उसी के साथ तमाम करते हैं हत्या कि आप तो अगर कभी मिले होंगे तो लोग पूछते तुम कौन हो जबकि आपके साथ वो ज़िंदगी गुजार चुके होंगे आपके पोते हों या आप ख़ुद हों बाप के बेटे हों और आप भी जाते हैं, तो आपके बारे में पूछ ले कौन हो और थोड़ी देर के बाद दोबारा ये सवाल किया जाता है कि तुम कौन हो यानी गोया कि जहन में बात आई हाँ हाँ ठीक है उसके बाद वो बात निकल जाती है उनके जहन से कुछ आपदा नहीं रहता है तो गोया की अक्ल उनकी जा चुकी होती है जा चुकी होती अक्ल रहती तो ऐसा वो करते भी नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आदमी अपनी अक्ल खो चुका हो उसके बारे में जो हदीस आपको बताऊँगा वो ये है हदीस में आया है कि तीन आदमियों से कलम को उठा लिया गया है यानी उनके ऊपर से ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी जाती है रूफ़िया कलमला है उसमें से एक तस्करा है बच्चे का जब तक वो नाबालिग हो जब बालिग हो जाता है तो उस पर ज़िम्मेदारी शुरू होती है दूसरा है पागल का जब वो हो पागल हो जब तक पागल है उसके ऊपर से कोई ज़िम्मेदारी नहीं जब अक़ल होती है, तभी ज़िम्मेदारी होती है और तीसरा सोता हुआ इंसान है जब सो जाए तो जब तक सो रहा है उसके ऊपर कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं लगती है जब तक वो जाग ना जाए लेकिन तीनों के अल, अलग अलग अमाल हैं मैं मुख्तर सा बयान कर दूँ सोने वाले का हुक्म जब सो के जागे तो उस पर जो फ़राइज रहेंगे इससे नमाज रह जाती है तो उस नमाज़ को उसे पूरा करना पड़ पड़ेगा उसका वही वक्त है जैसे कि कोई फजर में सो जाए ना जागे और सूरज निकलने के बाद जाग को उसकी नींद खुले तो उसको उसी वक्त फजर की नमाज़ पढ़ लेना चाहिए इसलिए कि हदीस में कि यही उसका वक्त है जब जागा तभी उसमें फ़र्द वाजिब हुआ और भी उस मसाइल उसमें आते हैं और बच्चे का मामला यह है कि जब बच्चा नाबालिग है जब तक उसको सिखाया तो जाता है कि सात साल के हो गए तो कहा जाता है नमाज़ पढ़ो दस साल के हो गए तो कहा जाता है कि नहीं नहीं पढ़ोगे तो बिटाई होगी मार पीट भी रहता है और इसी तरह से उसके और भी अहकाम हैं कि अगर उससे कोई गलती हो जाए गैर के मुकाबले में किसी की चीज़ कोई नुकसान कर दे तो उसका तावान उसके ज़िम्मेदार वली को भरना पड़ता है और इसी तरह से पागल का भी ये हाल है कि इसी तरह से सो सोने वाले और बच्चे का दोनों का ये हाल है उनके तावान को भरना पड़ता अगर कोई सोते में किसी चीज़ का नुकसान कर देता है और वो अनजाने में होता है तो उसका तावान उसे भरना पड़ता है लेकिन फ़राद इलाही जो हैं वो जागने के बाद उस पर शुरुआत होते हैं तीसरा मामला उस आदमी का जो पागल हो गया मजनून हो या मातूह जो भी लफ्ज़ हदीस में आया हो दोनों के माने एक ही होते हैं पागल यानी जिसका जहन जा चुका हो अक्ल उसकी काम ना करती हो जिसको हम अपनी उर्दू ज़बान में पागल कहा करते हैं यानी जो जिसकी अक्ल खो चुकी हो खराब हो चुकी हो अभी तो इस आपने जिसका तस्करा किया है कि काफ़ी बीमार और काफ़ी बुढ़ापे को आगे हैं बीमार भी रहते हैं हाफजा भी दुरुस्त नहीं है चल फिर भी नहीं पाते हैं पैखाना पेशाब भी बिस्तर पर कर जाते हैं और इन्हें यहाँ तक कि रातों दिन का पता नहीं चलता तो ऐसे आदमी का शुमार भी उसी में होता है जिसकी अक्ल जा चुकी है इसीलिए क्रमिल शाहे जहाँ कहा गया कि आदमी अल्लाह तारा पैदा करते हैं तो बचपन में कुछ मर जाते हैं कुछ बड़े होते हैं और कुछ उसके बाद और बड़े हैं, कुछ लोग इस उम्र को पहुंच जाते हैं कि वो बुढ़े हो जाते हैं और कुछ लोग बुढ़े बन के इस उम्र को पहुंच जाते हैं कि जानकारी के बावजूद भी सारी याददाश्त उनकी चली जाती है तो इनकी जब याददाश्त जा चुकी है तो इनके ऊपर नमाज फ़र्द नहीं है फ़र्द नहीं है हाँ अगर ऐसी सूरत है किसी वक्त इनकी याददाश्त बुढ़ापे में चली जाती है और किसी वक्त याद रहता है कि हाँ मैं जा फना हूँ और ये फ़ना है और ये वक्त हो गया है नमाज़ का तो उस वक्त उनको नमाज़ पढ़ना चाहिए और जो लोग वहाँ रहते हैं उनको उनका मुशाह करना चाहिए ये तो बुढ़े के बारे में जो अहकाम हुए हमने बताया लेकिन आपने जो अपने बारे में पूछा है कि उनके हकूक़ क्या हैं और मैं उसमें कभी कोताही कर जाता हूँ और कभी कभी झिड़क भी देता हूँ तो उस सिलसिले में हम बताना चाहेंगे कि हकीीकता वालदेन के हकूक़ को पूरा करना आपकी एक शर्यी ज़िम्मेदारी है उस सिलसिले में कोताही से बचना चाहिए और अगर आपके ऊपर शैतान का गलबा हो जाता है तो आपको उस सिलसिले में अल्लाह से मदद मांगना चाहिए और शैतान रज़ीम पढ़ना चाहिए जल्द ही अपने आप को सीधे रास्ते पर ले आना चाहिए बुढ़ापे में आपका अपने हवास और अक्ल पर कंट्रोल रखना ये बहुत बड़ी िम्मेदारी है आइए मैं कुरान मजीद की वायद सुना दूँ जिसमें इस तरह के हुक्म की साफ वजाहत की गई है जहाँ कहा गया है कि वो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है ये और वालदे की अतात करना भी फ़र्ज़ है तो इसी तरफ इमा अब्लकल किब्र आहद हमां अवकला हमा फ़ला तक हमां उफ्फ़ वला तनहर आयत में जो ख़ास मकसूद इस बयान करना चाहता हूँ इस बनी इसराइल की एक आयद रम्मत इसमें है कि अगर उनमें से दोनों या एक ही तुम्हारे पास हों और बुढ़ापे को किबर यानी बड़ी उम्र को पहुंच चुके हों फलाक़्ल उफिन तो उनको उफ भी नहा ना कहा करो वाल तनहम उनको डांटो नहीं वह कौलन करीमा और उनसे अच्छी बात कहा करो वफ़िद रहमा जना हदमरहमति और उनके लिए अपने आप को नरम बाज़ू बना के रखो कोई भी बात कहो उसको सह लिया करो मान लिया करो काम कर दिया करो कुरान मजीद की सराहत के बाद आपका गुस्सा होना ये बेजा है बचना चाहिए इसलिए कुरान मजीद ने जिस पोजीशन का तस्करा किया है वो पोजीशन यही है कि वो बुढ़ापे को पहुंच चुके होंगे तो उनकी बात पर तुम्हें उफ नहीं करना चाहिए पर आपने तो लिखा कि हम कभी कभी कड़क हो गए हम भी बोल देते हैं ये कड़क हो गए बोलना अच्छा नहीं है आप इस बात को इस बात से मुजावहत दे के पूछ देखिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं जब उनको भी अपने अपने ही कपड़े पर खाना पेशाब कर देना होता है उन्हें कुछ याद नहीं आपने जो कल दिया है आज दिखाया है लेकिन उनको दो साल के बाद पूछेंगे तो कुछ नहीं हमने तो कुछ नहीं देखा है अरे भी शौर की ज़िंदगी शोर खो चुके शोर रहता ही नहीं है और यहाँ बाप को या दादा को शौर हो जा चुका है तो इसी सूरत में दोनों की एक ही बात होती है वैसे भी ज़िंदगी का मामला ये है कि जिस तरह से ज़िंदगी के नशो नुमा होती है बचपन से हंस हरकत में बिस्तर पे पड़े रहते हैं उसके बाद कुछ बड़े होते हैं तो हरकत में आते हैं फिर और बड़े होते हैं तो चलना शुरू करते हैं और बड़े होते हैं तो शैतानियाँ शुरू करते हैं जैसे हम लोग कहा करते हैं अपने लफ्ज़ों में यानी बदमाशियाँ या शरारतें शुरू कर देते हैं और बड़े होते हैं तो कुछ काम काज करना शुरू कर देते हैं और बड़े होते हैं तो समझदारी आने लगती है फिर उनको नमाज़ का हुक्म दिया जाता है इस तरह से उम्र बढ़ती जाती है समझदारी आती जाती है तक कि समझदारी मुकम्मल हो जाने के बाद यानी बालिग हो जाने के बाद अल्लाह के फ़रद उन पर नाफिज हो जाते हैं मैं ये तमसील दे ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है जब उतरने को आती है तो इसी तरह से उतरते उतरते आखिरी स्टेज को पहुँचती है आप देखते होंगे जिनके पास आखिरी स्टेज को पहुँचाते हैं उस बिस्तर से हरकत नहीं कर सकते बैठ पड़े रह जाते हैं उसी भी उनको हत्या कि करोड़ से दूसरे करवड़ करना पड़ता है जैसे छोटे बच्चे को करना पड़ता है अगर छोड़ दें तो अगर बिल्कुल भी दो एक दो महीने का तो करवट भी नहीं ले पाता वो तो इसी तरह से बुढ़ापे की ज़िंदगी होती है कुरान मजीद में जहाँ कहा गया है वदा रबा अल्ला तब् इियादेन एहसाना अल्ला ने फैसला किया है कि उसी की बात करो और वालदे के साथ एहसान करो और इसके बाद जो आयत हमने भी सुनाई थी वही मबलगन इंद कबर उसी आयत का टुकड़ा ही है इम्ना इंदल के बार आहद हमा वकीला हमा फ़लात तक हमा उफिन तो उनसे उफना कहो अब देखिए छोटे बच्चे को अगर आप कड़क से डांट दें तो घबरा जाता है और सहम जाता है ऐसे जिसके पास अभी अकल ख़त्म हो चुकी है आप उसको कड़क से डांटेंगे तो उसकी भी यही पोजीशन होगी और अगर कभी अकल वापस आए तो या दूसरा को कह देखो ये बच्चा था तो इसको कैसे पालता था या और ये बूढ़ा हो गया तो इसको कैसे झिड़की देता है तो झिड़कियाँ नहीं देना चाहिए उससे बचना चाहिए कुरान मजीद की आयत इसमें कहती इसका मफूम यही है कि जब वो तुम्हारे पास बड़ी उम्र के हो जाए किसी बात पर नाराज़ भी हो जाए कुछ बोल भी दें तो तुम्हें नर्व रहना चाहिए और उनकी खिदमत करना चाहिए जैसे कि उन्होंने तुम्हारी ख़िदमत बचपन में की है वफी रामा जनादमी रमर क़मा रबिया सग़ी कमार्बैयानी सग़ी का जो कुरान मजीद में किल्ल दुआ करो किल्ला था उनके ऊपर रहम कर जैसे उन्होंने मुझको बचपन में तरबियत पाला है बचपन में कितने रहम से कितने दिल लगा करके कितने इनायत से कितनी तोज्जो से पालते हैं तो बुढ़ापे में बच्चों को अपने वालदे की या इसी तरह से दादा की खिदमत इसी अंदाज़ में करना चाहिए गोया कि आप बड़ी तवज्जो से उनको पालते हैं और उनकी निगरानी रखते हैं और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है और ये ऐसा हो सकता है हम नहीं कहते किसी के यानी गुस्सा नहीं आता आ जाता हो लेकिन गु़स्से पर कंट्रोल कीजिए और उस मौके पर अपनी हालत के बारे में सोचिए कि हम कैसे थे उन्होंने कैसे हमारे साथ पाला पोसा है और हमें भी इनके साथ ऐसे करना चाहिए इसलिए कि आप जानते हैं कि वालदे जिसमें पूछा गया जिस हदीस में कि मन अकुल्लासन सहावती रसूल्ला रसूल हमारे अच्छे तामुल का अच्छे खिदमत का कौन ज़्यादा मुस्तक है तो आपने कहा माँ है फिर कहा माँ है फिर कहा माँ है फिर कहा बाप है बाप का भी इसमें शुमार है और वैसे वालदे की खिदमत को अगर कोई बेहतर तौर से याद देख कर देख करके कि हम कैसे अपने बच्चों की देख करते हैं चाहे बाप हो चाहे माँ हो तो इसे याद रखना चाहिए कि उसका यह तामुल अपने बाप के साथ बूढ़े हो जाने के बाद बहुत ही गलत अंदना है इसका 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 एक़ाब मिलता है बल्कि ये भी कह, कह दूँ इसी वक्त कि जो लोग वालदेन के साथ हुसन सलूक नहीं करते बुरे तरीके से पेश आते हैं मार देते हैं ढकेल देते हैं उनके साथ दुनिया ही में ऐसा एकाब उनको हासिल हो जाता है इस लिहाजा आपको इस सिलसिले में एहतियात की ज़रूरत है आइए हम एक और सवाल की तरफ़ आते हैं सवाल में पूछा जा रहा है कि ए, किसी नेमत के मिलने के वक्त ए, कोई शुक्र अदा किया जाता है क्या इसको नमाज शुक्र कहते हैं अगर ये नमाज शुक्र है तो कैसे किया जाता है और इसको क्या जमातन अदा करना चाहिए या कि तन्हा तन्ना पढ़ना चाहिए कितनी रकातें है उसकी हैं ये सारे सवाल उनके हैं अगर वो नमाज शुक्र कहते हैं तो कहते हैं और उसकी दलील व सुन्नत से क्या है और क्या सजद शुक्र और नमाज शुक्र में फ़र्क है और इसी तरह से सजद तिलावत और दुआ हाजत भी कोई चीज़ है गोया कि अभी इन्हें मालूमत की कमी मैं जवाब कहता हूँ कि किसी नमत के मिलने के वक्त ये नमत दो तरह से होती है एक नमत तो किसी चीज़ का हासिल होना होता है और एक नमत यह है कि किसी मुश्किल का टल जाना होता है वो भी एक नमत है तो दो नमतें दोनों तरह से होती हैं तो इस सिलसिले में इंसान को जब नेमत हासिल हो जो नेमत ये आम नेमत है कुछ लोगों ने कहा कि हर वक्त नेमत हासिल होती है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ नेमत से मुराद जो है ऐसी अहम चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के लिए अहमियत रखती है आपके बड़े मकासद में उसे वो चीज़ थी तो हासिल हो गई है तो ऐसी सूरत में हदीस में आया हुआ कि उसको इंसान को सजद शुक्र अदा, अदा करना चाहिए सजद शुक्र कहता हूँ सजद शुक्र अदा करना चाहिए और इसी तरह से सजद शुक्र के लिए क्या तरीक़ा है कैसे पढ़ किया जाता है और क्या वो सजद तिलावत की तरह से है क्या उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है क्या उसके लिए कुछ ख़ास दुआएँ हैं और क्या नमाज शुक्र है कि नहीं है मैं इसकी और मजदीद तफसील आपको बाद में बताऊँगा जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताल हमें तोफीक दें कि हम दोबारा हाजिर हों और आपको तोफ़ी दें कि आपके सवाल मजीद रहेंगे और इसको भी सुनेंगे जब तक के लिए हम दुआ दुआ किल्ल तरह आपको खैरियत से रखें और हमारे जो भाई बहन आप तक ये सारे पाँ ये सारे प्रोग्राम पहुँचाते हैं अल्लाह तु सब को भी जदाय ख़ैर अदा फरमाए असलकुम वरहल वबरकू